हेलो सेवन्थ क्लास में आपके टीचर बिंदर को और एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और इस इंट्रोडक्शन को आप अपने रजिस्टर में भी लिखोगे प्रॉपर ड्रॉ करके प्रॉपर लिख कर। तो प्लीज़ इसको ये मत सोचना कि नहीं लिखना, इसको प्रॉपर लिखना है एक्सरसाइज लिखने से पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए पहला जो पार्ट है, पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, वो ये है कि पहला पार्ट जो है इंट्रो का वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस हमें पता है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। आप इसको जितना मर्जी बढ़ा दो ये कभी नहीं मिलेगी। तो ये जैसे लाइन है, इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, किधर से भी एक्सटेंड करो, ये एल और एम हो गया। तो एल पैरेलल, इसको पैरेलल बोलेंगे, ये पैरेलल का सिंबल है, और ये एम, तो इसको ऐसे लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। तो पैरेलल का साइन हो गया ये, ठीक है। तो जहां पर भी ये होगा ना, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है, ठीक। सेकेंड इंट्रो है इसका, सेकेंड इंट्रो है एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, एक्चुअली में ट्रांसवर्सल लाइन है वो, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है उसको, उसकी डिफाइन देख लेते हैं। एक ऐसी लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, ठीक है, टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम है ये, दो पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है, और इसने कट कर दिया। तो जहां ये कट कर रही है ना, एक प्रॉपर पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो ये जो है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाली लाइन जो है, ये लाइन मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये दो तो पैरेलल लाइंस है मेरी, ठीक है, जो कट करेगी वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब तीन लाइन को भी ये कट कर सकता है, तीन पैरेलल लाइंस को भी ये कट कर सकती है, जैसे तीन पैरेलल लाइंस है उसको ये कट कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कट करेगी तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक और लाइन कट कर सकती है तो वो भी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्सल लाइन है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो जब जो मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइन बताई है, पहले दो में जो आपको ट्रांसवर्सल लाइन मैंने बताई है उसी से ही रिलेटेड है। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसको कट करा एक ट्रांसवर्सल लाइन ने, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहाँ 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 कोई ना कोई एंगल्स बनाएगा। तो अब आप ये देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है ना, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल। अभी हमने पीछे एक्सरसाइज 5.1 में यही तो पढ़ा था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ही है। अब देखो, आप ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, ठीक, अगर आप ऊपर वाली लाइन को भूल जाओगे तो आपके नीचे वाली लाइन से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ जाएगा, और अगर आप इस लाइन को भूल जाते हो तो आपका ऊपर वाली लाइन से वर्टिकल ऑपोजिट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। अब हम करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो मैं इसी इन्हीं पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में ही एंगल बनेंगे और इसी से ही रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखो, जो ऊपर बनेगा एंगल वही नीचे बनेगा, ठीक है, जो ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 जो है कॉरस्पॉन्डिंग है।
अब आप समझो, इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला एंगल वन और इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला एंगल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से ये वाला और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। अब नीचे वाले एंगल्स की बात करते हैं। अगर मैं ऊपर से इसको हटा दूं, ऊपर से अगर मैं इसको हटा दूं, तो इसका थ्री एंगल और इधर से इसका थ्री एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की निशानियाँ बताइए कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पूछेंगे इस इन पैरलर और ट्रांसवर्सल में, तो आप ये वाला और ये वाला एंगल बोल दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब हम यहाँ फिफ्थ इंट्रो करेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर का मतलब अंदर वाली साइड, इनसाइड, ठीक है, अंदर या इनसाइड, अंदर या इनसाइड, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, एंगल्स। अब देखो अंदर वाली साइड, तो अंदर वाली साइड अगर आप देखो, इस लाइन को भूल जाओ आप, इधर से इसको भूल जाओ, तो अंदर वाली साइड ये दोनों आ गई, ठीक है। अंदर वाली साइड के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट हो गया, मतलब ये इसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है इसके ऑपोजिट हो गया। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ यही देखो, समझो कि इंटीरियर ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल किसको कहते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं। अभी सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को समझो। अगला फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर इंट्रो का लास्ट टॉपिक है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब है कि एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे ना, वो जो है लीनियर पेयर बनाएगा, वो लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, ये वाला एंगल एंगल वन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल टू जो है, ये लीनियर पेयर बनाएगा। मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरह से लीनियर पेयर बनाएगा। यहाँ पर आपका इंट्रो फिनिश होता है और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको तब समझ में आ जाएंगे, जो कुछ इंट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट था वो आपको वहाँ जाकर क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। टिल आप इंट्रो अच्छी तरह से लिख लो, फिगर्स ड्रॉ कर लो, रिवाइज कर लो, एक्सरसाइज में काम आएगा।